महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, स्पीकर महोदया, गुलाम नबी जी, नरेंद्र सिंह जी, अटल जी के परिवारजन और सभी अटल प्रेमी स्वजनों, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अटल जी अब इस नए रूप में हमें आशीर्वाद भी देते रहेंगे और हमें प्रेरणा भी देते रहेंगे। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। घंटों तक कहा जा सकता है फिर भी पूरा नहीं हो सकता, और कम शब्दों में कहने के बाद भी शायद उस विशाल व्यक्तित्व की पहचान भी की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, ये अपने आप में सार्वजनिक जीवन में हम जैसे कई कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखने जैसा है। राजनीति में उतार चढ़ाव आए हैं, जय पराजय आए हैं, लेकिन आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना और कभी न कभी उसका सही परिणाम मिलता है, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी दो चार वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। ये कौन सी उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी? शायद इस युग में मौन की कम्युनिकेशन स्किल, कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। उसी प्रकार से वो अपनी मस्ती में रहते थे, कभी साथ में ट्रैवल करने का मौका मिला तो देखते थे कि वो आंखें बंद करके ही रहते थे, ज्यादा बात बात नहीं करते थे, उनके स्वभाव में था। लेकिन छोटी सी बात में भी व्यंग करना जो उनकी विशेषता थी, कितना ही माहौल गर्म, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गर्माया भी हो तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण कर देते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था उन्होंने, अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। और लोकतंत्र में
कोई दुश्मन नहीं होता है। लोकतंत्र में स्पर्धा होती है, प्रतिपक्ष होता है, आदर और सम्मान उसी भाव के साथ बनाए रखना, यह हमारी नई पीढ़ी के लिए सबको सीखने जैसा है, हम सबने सीखने जैसा है कि हम किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे, यह अटल जी से सीखने वाला विषय है। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से, सदन के मेरे सभी साथियों की तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं।